दक्षिण चारों तरफ ऐसे बड़े निर्माण हो रहे हैं। यही आधुनिक कनेक्टिविटी, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का रास्ता है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तो इसका सीधा प्रभाव देश के पर्यटन पर पड़ता ही है। गुजरात में बढ़ती हुई कनेक्टिविटी राज्य को बड़ा टूरिस्ट हब बना रही है। आज गुजरात में 22 सेंचुरीज और 4 नेशनल पार्क हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। आज अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, चापानेर और धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज बन चुके हैं। द्वारका में शिवराजपुर का ब्लू फ्लैग बीच है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे ये हमारे गिरनार पर्वत पर है। गिर वन, एशियाटिक लायन, ये हमारे गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के एकता नगर में है। रणोत्सव में आज दुनिया भर के पर्यटकों का मेला लगता है। कच्छ का धोरडो गांव दुनिया के सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में गिना जाता है। नड़ा बेट राष्ट्रभक्ति और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चलते हुए गुजरात में आस्था के स्थलों को भी संवारा जा रहा है। द्वारका,